हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट के बारे में आप अपने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, आप सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके हो इनपुट और आउटपुट के बारे में। कंप्यूटर हमारा तीन चीजों पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, राइट? इसी फंडे पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, राइट बच्चे? तो यहाँ पे आज हमें देखना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये तीन चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इन की पॉइंट्स में हमें देखना है कि आज हमें पढ़ना क्या है, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट है, नो अबाउट इनपुट डिवाइसेस। पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, और थर्ड आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जो भी इनपुट देते हैं वो उसी के हिसाब से हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। इट नीड्स सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर इट्स प्रॉपर ऑपरेशन और फंक्शनिंग। क्या होता है, कंप्यूटर को बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। सम डिवाइसेस अदर देन द माउस, कीबोर्ड एंड द मॉनिटर कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। इन एडिशन, वेरियस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू। कहने का मतलब है, जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करेंगे, सेट करना चाहते हैं हम, वो इंफॉर्मेशन हम उसमें सेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करेगा, राइट बच्चे? और ये आप प्रोसेस देख पा रहे हो, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे है आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल आपको हमेशा याद रखनी है, इसी के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, राइट बच्चे? चलिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क इन थ्री स्टेप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तीन स्टेप पे काम करता है। इट टेक डाटा एज इनपुट, ये डाटा लेता है इनपुट की तरह। इट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, और ये इनपुट को जो भी हम उसे मतलब इनपुट दे रहे हैं उस डाटा के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है, इट गिव द रिजल्ट आउटपुट। जैसा हमने इनपुट दिया उसके हिसाब से उसने प्रोसेसिंग की और उसी के हिसाब से उसने हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है बच्चे? चलिए, नेक्स्ट है आपका, सो अ कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ। इसीलिए कंप्यूटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चे? आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है। द इनपुट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, therefore keyboard or mouse. The CPU central processing unit processes the input and the result output display on the output device. ठीक है, कहने का मतलब है जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा और हमें रिजल्ट दिखा देगा। इनपुट किसके थ्रू दे रहे हैं, माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू, बिकॉज वो क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइसेज क्या है, आपकी मॉनिटर, राइट बच्चे? तो वहां पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, ग्रेट, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी है बेटा, सबसे पहले आपकी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है, जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करके बैठे हो, अगर आपको कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है 2+2, आपने लिखना है 2+2, तो आप ये किसकी हेल्प से लिखेंगे? ऑफ कोर्स आप किसकी हेल्प से लिखेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है? तो वो क्या हुई, आपकी इनपुट डिवाइस हुई, राइट बच्चे? सेकंड आ जाता है आपका कंट्रोल कीज, दीज कीबोर्ड के अंदर। देखो यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर। इसमें सबसे पहले आता है कंट्रोल की, फिर आते हैं फंक्शंस की, फिर आती है नेविगेशन की, फिर आती है न्यूमेरिक की। दीज टाइप दीज कीज आर यूज अलोन और इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंट्रोल की आर कंट्रोल, अल्टरनेट, द विंडो लोगो की एंड एक्सेप्ट, ठीक है? ये आपकी कंट्रोल कीज होती हैं। उसके बाद फंक्शन की, द की मार्क विद F1, F2 अप टू F12 आर कॉल्ड फंक्शन कीज। दीज कीज आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। फॉर एग्जांपल F5 इज यूज फॉर द रिफ्रेश द पेज। समझ में आ रहा है आपको, ये फंक्शन कीज हैं जो कि अलग अलग
फंक्शंस करने में काम आती है कंप्यूटर के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल F5 अगर आप प्रेस करते हो तो इससे आपका जो पेज खुला हुआ है वो रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट नेविगेशन की, दीज कीज आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। एक सेकेंड में इसको इरेज कर लेती हूँ बेटा। नेविगेशन की, दीज कीज आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट, ठीक है। नेविगेशन कीज में आपकी एरो कीज आ जाती हैं, डिलीट की आ जाती है, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी कीज जो है वो आपकी नेविगेशन की में आ जाती है। उसके बाद है नंबरिक की। नंबरिक की क्या होती है, आपका अगर कैलकुलेटर का यूज करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, नंबरिक की का यूज करोगे बेटा, ठीक है। द नंबरिक कीबोर्ड इज यूजफुल फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। द की आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक जस्ट लाइक दे आर इन अ कैलकुलेटर। ये आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर बेटा, ये आपको इस तरीके की क्या मिलेगी बेटा, नंबरिक कीज मिलेगी, ठीक है, नंबरिक कीपैड। अब यहाँ पे देख लो आप, ये है आपकी इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट का मतलब है अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर रहे हो तो ये ग्रीन लाइट आपकी ब्लिंक करने लगेगी, ठीक है। ये है आपकी कंट्रोल की, ये है आपकी एंटर की, ये है आपकी एरो की, ये है आपकी नंबरिंग की, राइट। तो ये है कीबोर्ड का पूरा इंटरफेस। आप लोगों को मैंने लास्ट चैप्टर में भी ये सारी चीजें पढ़ाई है। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज करने हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये है शॉर्टकट्स, कहाँ पे हैं, ये हैं शॉर्टकट्स, ये कट्स, ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा बच्चे, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप विंडो लोगो की को प्रेस करते हो तो ओपन द स्टार्ट मेन्यू, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडो, ठीक है। अगर आप अल्टरनेट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो ये कहाँ पे आपको प्रोग्राम और विंडो के बीच में स्विच कर देगा। नेक्स्ट है क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट करना है, उसे क्लोज करना है, तो उसके लिए आपने अल्टरनेट प्लस F4 प्रेस करना होगा। नेक्स्ट है सेव द करंट फाइल और डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई करंट फाइल और डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस C, कट करना है कंट्रोल प्लस X, पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस V, अंडू करना है कंट्रोल प्लस Z। अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा और उसको रिमूव कर दिया, लेकिन अब आपको वो टेक्स्ट दोबारा चाहिए, तो वो होता है अंडू, कंट्रोल प्लस Z। उसके बाद सिलेक्ट ऑल आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो। किसी भी विंडो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको पूरा डाटा अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस A, सब कुछ सेलेक्ट करना है। ओपन अ मेन्यू ऑफ कमांड रिलेटेड टू अ सिलेक्शन इन अ प्रोग्राम सेम एज राइट क्लिकिंग द सिलेक्शन या एप्लीकेशन की। जैसे आपको कुछ भी कोई भी कमांड करनी है या फिर कुछ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए। नेक्स्ट आता है मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे जाना है जहां से वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या प्रेस करना होगा बेटा, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट है मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, आपको उसके बॉटम में जाना है, सबसे नीचे जाना है, तो उसके के लिए कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस एंड। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। बहुत ही अच्छी शॉर्टकट कीज है, ये आपको सारी आनी चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर लवर हो, ठीक है। अगर नहीं भी हो फिर भी कंप्यूटर बिकॉज आपका एक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में पता होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। ना चाहते हुए भी आपको कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा, अगर आपको पसंद भी नहीं है तब भी पसंद करना ही पड़ेगा कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है बेटा, माउस का क्लिक करना, किसी भी चीज को पॉइंट करना, कुछ भी इंसर्ट करना है तो वो आप माउस की हेल्प से कर सकते हो। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें भी कुछ बटन दिए हुए होते हैं। ये किसमें हेल्प करती है, जो जो बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं ना उनको हेल्प करती है कंट्रोल के लिए, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन आ जाते हैं। लाइट पेन का मतलब क्या होता है कि आप पेन से यहाँ पे लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अ लाइट पेन ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, वी यूज टू सेलेक्ट अवर डिजायर्ड ऑप्शन अमंग द वेरियस डिस्प्ले ऑप्शन। द पेन कैन ऑल्सो बी यूज डायरेक्टली टू द स्क्रीन फॉर मेकिंग ड्रॉइंग एंड ग्राफिक। इट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ माउस, बट इट इज मच मोर कॉस्टली। इट इज मेनली यूज बाय इंजीनियर्स, architects and designers. The first light pen was used in around 1957. Yeah, light pen भी एक तरीके से हम substitute मान सकते हैं किसका, mouse का, लेकिन ये बहुत ज्यादा costly होता है, तो इसी के लिए इसे engineers हो गए या फिर जो designers हो गए, architects हो गए, वो use करते हैं, ठीक है बच्चे। और सबसे पहले ये कब आया था, 1957 में डिजाइन किया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे,
बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का क्या काम होता है? बारकोड रीडर, द रीडर विच रीड द बारकोड इज नोन एज बारकोड रीडर। अ सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइन ऑन द वाइट ब्लैक ग्राउंड इज नोन एज बारकोड। अ बारकोड रीडर हैज अ लाइट सोर्स एंड अ लेंस। इट रीड बार्स प्रिंटेड ऑन द बारकोड एंड सेंड डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। या अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बारकोड रीडर क्या होते हैं? जैसे आप मॉल में कभी गए हो तो वहां पे क्या करता है, जो मॉल में जो बिल बनाता है वो आपका सामान लेता है और उसे मशीन के सामने लगाता है और उसका जो प्राइस होता है वो उसके कंप्यूटर में आ जाता है। तो ये होता है बारकोड रीडर। ठीक है बेटा, स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आपको कुछ स्कैन करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले उसको कंप्यूटर स्कैनर के अंदर रखा और जैसे ही स्कैनर के अंदर गया तो वो पूरा का पूरा डाटा स्कैन होके आपके कंप्यूटर को मिल गया, मतलब वो इनपुट है, राइट। चलिए तो ये क्या है, स्कैनर। स्कैनर इज एन आई ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक आई है, द स्कैन इमेजेस, जो कि जैसे ही आप स्कैनर में उसको रखोगे तो वो कंप्यूटर को सारी चीजें पहुंचा देगा, एक तरीके से उसे बिल्कुल कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अ स्कैनर कन्वर्ट पेपर इमेज इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। एक पेपर इमेज को स्कैनर क्या करता है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। इट कंटेन अ कैमरा विच इज मेड अप ऑफ टिनी सेल्स कोल्ड चार्ज कपल डिवाइस CCDS। ईच CCD ट्रांसमिट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज टू द कंप्यूटर। दी सेल आर सो स्मॉल दैट इट वुड टेक मोर देन 3000 CCD। 1 सेकेंड बेटा, हेलो बोलिए। तो कर लीजिए ऐप पे, क्या दिक्कत आ रही है? साइबर कैफे से जाके डलवा दीजिए, इसी नंबर पे डलवा दीजिए। ओके, सो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैनर की, देयर आर थ्री बेसिक बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर। तीन बेसिक टाइप होते हैं किसके, स्कैनर के। सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकेंड है शीट फीड स्कैनर, थर्ड है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, तो ये तीन तरीके के स्कैनर होते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखिए, ये है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, जिसके अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा, उसने स्कैन करके कंप्यूटर को दे दिया। ये होता है आपका शीट फीड स्कैनर, ये डायरेक्टली अटैच होता है वायर के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आपके कंप्यूटर से। ये होता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, जो कि आपको आपके हाथ में भी आप आराम से इसको हेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के आपके स्कैनर होते हैं। ओके बच्चे, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर इज फ्लैट बेड स्कैनर विच हैज अ फ्लैट ग्लास बेड फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। सबसे ज्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, वो है फ्लैट बेड स्कैनर। ये आराम से आप इसके अंदर रख दो अपना डॉक्यूमेंट, ये आराम से स्कैन कर लेगा और आपके कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आउटपुट डिवाइसेज। अब वॉट आर आउटपुट डिवाइसेज, ये आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है? इनपुट डिवाइसेज मतलब जब आप कोई भी इनपुट दे रहे हो अपने कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेस जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो किन किन डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। तो पहला देख लेते हैं, द डिवाइसेस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ योर वर्क आफ्टर योर इनपुट हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। अ कंप्यूटर जनरेट सेवरल टाइप ऑफ आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। द एग्जांपल ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। ठीक है, देखिए ये आपके होते हैं सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है, जो भी आपका डिजायर रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आप चाहते हो कंप्यूटर से, वो आपको कहाँ कहाँ पे वो डिस्प्ले करता है, किसके थ्रू करता है। तो किन किन के थ्रू, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मोनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। मोनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर,
कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंटर और स्कैनर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्कैनर मतलब जो कंप्यूटर ने स्कैन किया और अपने अंदर वो डाटा लिया, वो होगा इनपुट डिवाइस। प्रिंटर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है, अभी हमें सॉफ्ट में दिख रहा है, हम उसे बाहर निकलवा सकते हैं हार्ड कॉपी में, तो वो प्रिंटर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर, जैसे हमने कुछ भी इनपुट दिया अपने कंप्यूटर को, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया, अब आउटपुट हमें आंसर कहाँ मिलेगा बेटा? मॉनिटर पे मिलेगा। ठीक है, दो तरीके के होंगे, सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। पहले के जमाने में आपने देखा होगा पुराने टीवी जो होते थे वो कैसे होते थे, बहुत मोटे मोटे होते थे, उसी तरीके से मॉनिटर भी बहुत ही मोटे मोटे होते थे, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। लेकिन आज के टाइम पे जैसे आपके घरों में एलईडी लगी हुई है, एलसीडी लगी हुई है, उसी तरीके से अब ये जो मॉनिटर आने लगे हैं ये भी एडवांस आने लगे हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉनिटर आपके टीवी स्क्रीन की तरह होता है, इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक, द साइज ऑफ मॉनिटर्स कैन बी 14, 15, 17 एटसेट्रा, इट कुड बी आइदर एन एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, चलिए बेटा उसके अलावा आ जाता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर से जैसे कि मैंने आपने बताया, आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्ट में आपको दिख रहा है, अगर आपको उसको हार्ड कॉपी लेनी है, उसको अपने हाथ में निकलवाना है, तो उसके लिए वो पेपर पे आपको जो भी मैटर है वो टोटल आपका क्या करके दे देता है, प्रिंट करके दे देता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्या है, डोंट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन आ डोंट मैट्रिक्स प्रिंटर टिनी हा हैमर्स स्ट्राइक एन इंक रिबोन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेज एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। दीज प्रिंटर्स आर वेरी स्लो एंड द आउटपुट इज वेरी द आउटपुट इज अ वेरी लो क्वालिटी। कहने का मतलब है कि तो ऐसे होते हैं प्रिंटर जो कि डॉट्स में आपको प्रिंट करके देते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। ठीक है, जिनका नाम भी हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रखते हैं, मतलब बहुत ही स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो हमें प्रिंट करके भी देते हैं। ठीक है जी, और बहुत ही लो पुअर क्वालिटी का इनका प्रिंट होता है, और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है। ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट, आ जाते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स के टाइप है। इंजेक्ट प्रिंटर्स का मतलब है दीज प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिंक ऑन द पेपर। इंजेक्ट प्रिंटर्स आर फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट आउट। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन कलर एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो आपके प्रिंटर्स होते हैं, आपके कौन से प्रिंटर्स बेटा, इंजेक्ट प्रिंटर्स, ये क्या करते हैं, आपने इंक डाल दी थोड़ी सी, कुछ ड्रॉप्स इंक की डाल दी, उसके बाद अपना पेपर डाल दिया, उसके लिए आप इसमें कलर भी और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट ले सकते हैं जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो ये टू इन वन है इंजेक्ट प्रिंटर्स। उसके बाद है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, दीज आर द हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट। दीज कैन गिव ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड प्रिंट आउट, ब्लैक और कलर्ड पाउडर कोल्ड टोनर। देखो क्या होते हैं, जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो लेजर के थ्रू प्रिंट करते हैं, और इसमें इंक नहीं डलती, पाउडर डलता है। ठीक है, और पाउडर के थ्रू ही आपको प्रिंट निकाल के देते हैं, बहुत ही फास्ट प्रिंट निकाल के देते हैं। राइट, यहाँ पे देखो, इट यूज एज इंक दीज प्रिंटर्स द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट इज वेरी गुड। और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा सुपर होती है। जो किताबें पढ़ते हो ना, ठीक है, वो या तो आपके लेजर प्रिंटर से प्रिंट हुई होती है, ठीक है, या फिर वो किसी बड़े, वो मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मान के चलो कि आपकी जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही वेल मेंटेन होती है, बहुत ही सुंदर उसमें दिखता है, प्रिंट आउट भी बिल्कुल बेस्ट होता है, तो वो आपकी किससे होती है, लेजर प्रिंटर के थ्रू ही होती है। ठीक है प्रिंट। ओके बच्चे, चलिए आप देखिए यहाँ पे आपकी आ जाती है एक्सरसाइज। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर गेम्स खेलने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो कौन सी होती है बेटा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जोयस्टिक या फिर ट्रैक बॉल। तो ऑफ कोर्स क्या होता है, जोयस्टिक। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। जो एक्टिव प्रोग्राम होता है उसको क्लोज करने के लिए क्या यूज होता है, कोई भी एक्टिव प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में, उसको अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, फटाफट बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। ये जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, स्कैनर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है या फिर स्पीकर है। आउटपुट डिवाइस जो, सॉरी इनपुट डिवाइस, आउटपुट नहीं बेटा, इनपुट डिवाइस, ये दिख रहा है ना आपको, इनपुट डिवाइस कौन सी है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्या, प्लॉटर
प्लॉटर इनपुट डिवाइस है क्या, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है क्या, स्पीकर इनपुट डिवाइस है क्या, तो ऑफ कोर्स क्या है, स्कैनर। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपीड आइटम, जो भी आपने आइटम कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए क्या कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस वी, तो ऑफ कोर्स कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट है विच वन इज यूज टू कैरी आउट मेन्यू कमांड एंड क्रिएट ड्रॉइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या होता है, विच वन इज यूज टू कैरी आउट मेन्यू कमांड्स एंड क्रिएट ड्रॉइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन या फिर माउस। तो किससे आप डायरेक्टली ड्रॉइंग कर सकते हो, वो है क्या आपका लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन से आप डायरेक्टली ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में देख क्या दिया हुआ है, द रीडर विच रीड द बार कोड इज नोन एज, वो रीडर कौन सा होता है जिससे आप बार कोड को स्कैन कर सकते हो, तो वो है आपका बार कोड को रीड कर सकते हो, स्कैनर है, माउस है, बार कोड रीडर है या फिर प्लॉटर है, तो ऑफकोर्स बार कोड रीडर है। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स मतलब जैसे कि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए, तो उनमें इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बताओ, मॉनिटर किसी चीज का एग्जाम्पल है क्या, प्लॉटर एंड स्पीकर एग्जाम्पल है क्या, प्रिंटर एग्जाम्पल है क्या, और या फिर ऑल ऑफ दिस सारे ही एग्जाम्पल है, तो ऑफकोर्स सारे ही ये एग्जाम्पल है किसी ना किसी के। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट है अ कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IOP, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, क्या कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है, नहीं, कंप्यूटर काम करता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट IPO पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस आर लाइक योर सेंस ऑर्गन विच टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू योर ब्रेन, आउटपुट डिवाइस आपके सेंस ऑर्गन की तरह होता है क्या, जो कि इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, एंड सेंड टू योर ब्रेन, और आपके ब्रेन को सेंड करता है, तो ऐसा है क्या, जल्दी बताओ मुझे आउटपुट डिवाइस के बारे में ये बोल रहे हैं, आउटपुट डिवाइस तो नहीं लेता इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो कौन लेता है, इनपुट डिवाइस लेता है। नेक्स्ट कंट्रोल की आर यूज अलोन इन इन कंट्रोल कीज आर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, या कंट्रोल की क्या होती है, आप उसे सिंगल भी यूज कर सकते हो और दो कॉम्बिनेशन के साथ ही वो ज्यादातर यूज होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड देन प्रेस ए, तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको ये तीनों एक साथ प्रेस करने हो, मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड शिफ्ट, आपने कंट्रोल और शिफ्ट को दबाया एंड देन प्रेस ए, उसके बाद आपने ए प्रेस किया, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, राइट, तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अपर साइड में जाना है, सबसे ऊपर जाना है, बिगिनिंग में जाना है, तो उसके लिए क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस होम। उसके बाद है नेक्स्ट, द ऑप्टिकल माउस एंड लेसर माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, या उसके बाद है नेक्स्ट, द फर्स्ट लाइट पैन वॉज यूज इन अराउंड 1875, जो फर्स्ट पेन यूज हुआ था वो 1875 में यूज हुआ था, क्या मैंने आपको बताया भी था, मैंने इसका ईयर भी बताया था, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे, अदरवाइज मैं मानूंगी कि आप लोगों का ध्यान नहीं है, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, पहला यहाँ पे दिया हुआ है द डैश प्रोसेसेस द इनपुट एंड द आउटपुट इज डिस्प्लेज ऑन द आउटपुट डिवाइस, द डैश प्रोसेसेस द इनपुट एंड द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस, तो क्या होता है भाई, कौन हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है, तो वो कौन होता है, CPU, ये हमारी इनपुट को प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो, हम क्या यूज करते हैं, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट को या फिर विंडो को सेलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट और फाइल, अगर आपको कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद ब्लैक और कलर्ड पाउडर कॉल्ड डैश इज यूज्ड एज इंक इन द लेजर प्रिंटर, तो वो क्या होता है, टोनर,
जब हम लेजर प्रिंटर में कोई पाउडर यूज करते हैं प्रिंट आउट के लिए, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टोनर। नेक्स्ट डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट आउटपुट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो वो क्या है, प्रिंटर है, क्या है जो कि आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें आप पेपर शीट पे अपना जो आउटपुट है या फिर जो भी हम चाहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट वो निकाल के दे देता है, तो वो क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज कैन गिव डैश एंड डैश और कलर्ड प्रिंट आउट। अब ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दीज कैन गिव डैश एंड डैश, यहाँ पे बोल सकते हैं हम क्या, देखिए, एक्यूरेट और कलर्ड प्रिंट आउट, जो कि आपको कलर्ड प्रिंट आउट भी देता है। तो वो कौन कौन से आपके प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स के ही यहाँ पे हमें नाम लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए हैं, शायद ये एक्स्ट्रा है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटे वो, कौन कौन से हैं बच्चे वो, इंजेक्ट एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, कलर प्रिंट आउट मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट हैव गोट जम्बल्ड अप अनस्क्रैम्बल दैम टू गेट द करेक्ट नेम शोड दैम एज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम हैं, जो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इनको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम अभी करते हैं लास्ट में सोल्व, पहले अपने हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं अपना क्वेश्चन, वो कहलाती है इनपुट डिवाइस, कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ठीक है, इनपुट मतलब हम जो पूछना चाह रहे हैं कंप्यूटर से वो होता है इनपुट। नेक्स्ट है, नेम थ्री टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर के तीन टाइप आपको बताने हैं, वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ ही साथ आपको बता भी देती हूँ स्कैनर के कौन से तीन अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड है शीट फिड स्कैनर, नेक्स्ट है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है बच्चे, चलिए ओके ग्रेट। अब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, देख लिया आपने तीन नाम स्कैनर के, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट थ्री एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के तीन एग्जाम्पल आपने बताने हैं। ठीक है, तो पहला है कीबोर्ड, दूसरा है आपका माउस और तीसरा है आपका स्कैनर। ये तीन है आपके इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है व्हाट इज एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें रिजल्ट शो करती है, जो रिजल्ट हम अपने इनपुट से कंप्यूटर से चाह रहे थे कि जो हमने उसे इनपुट दिया है उसको वो अच्छे से प्रोसेस करके हमें आंसर दे, तो जिस मेथड के थ्रू वो हमें आंसर दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है हमें आंसर, वो कहलाती है आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है नेम थ्री टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के तीन प्रिंटर के नाम बताने हैं, तो आपका सबसे पहले तो कौन सा है बेटा, जो सबसे हाई फाई है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, कौन सा है, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, और तीसरा कौन सा है बेटा आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके बच्चे, तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट आंसर्स, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग करेक्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, जैसे कि मैं आपको एक दो करके बता देती हूँ, फिर आपने खुद इसके बारे में सर्च करना है। ठीक है, चैप्टर में ही मिलेगा आपको, चैप्टर में सब कुछ मिलेगा, जैसे कि मैं आपको थर्ड वाला बता देती हूँ, इसका क्या होगा, जोए स्टिक, जोए स्टिक। ठीक है, इसके सही करेक्ट करके आपने ऐसे लिखना है। ऐसे ही आपको फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ आपका होमवर्क है, करके ये आप मुझे दिखाओगे, अपने सब्जेक्ट टीचर को बताओगे, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने उनसे चेक करवाया है, बिकॉज इससे आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ब्रेन है, वो पहले तो खुलेगा थोड़ा सा, है ना, और मैं ये भी समझ पाऊंगी कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बस आपको स्पेलिंग इसकी करेक्ट करके लिखनी है, इससे आपकी स्पेलिंग भी एनहांस हो जाएगी, आपको जो स्पेलिंग्स आपकी अगर उनमें कोई मिस्टेक होगी तो उसमें भी करेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।